नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा है 2 और विषय हमारा है गणित यानी कि मैथ और हमारा चैप्टर नंबर है 12 उसका पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं बच्चों आज हम, यानी कि हमारा विषय जो है गणित उसका पार्ट नंबर है 12 उसका पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, यानी कि ये पार्ट है 12 और पार्ट नंबर है 3 यानी कि 3। तो देखो बच्चों, हमारा जो पार्ट था 12 उसका नाम क्या था, लेना और देना। उसके दो भाग हमने पढ़ लिए, आज भाग नंबर 3 है। तो देखिए, निम्न में जोड़ कीजिए, तो जो जोड़ हमने सीखे थे कैसे सीखे थे कि मोतियों के माला में से हमने वो जोड़ सीखे थे, यानी कि जो 10 मोती है तो उसकी एक माला थी और बाकी जो मोती थे उसे गिनकर हमने क्या किया था, जोड़ किया था, आपको याद है ना बच्चों। चलिए आज हम ये जोड़ करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे जोड़ का निशान है और यहाँ पे 7 है, तो हमें दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ यानी दोनों को मिलाकर जो संख्या आएगी वो उसका आंसर होगा, वो उसका उत्तर होगा। तो देखिए बच्चों, 4 है और 7, आपको उंगलियों पे नहीं आते हो गिनने तो आप यहाँ पे लाइन करके भी गिन सकते हो। तो देखिए 1 2 3 4 ये हो गए 4, फिर 7 करने हमें, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। आपको उंगलियों पे आते हो तो उंगलियों में से भी आप कर सकते हो, यानी कि मैं बता देती हूँ आपको। देखिए यहाँ से गिनने, आपको यहाँ से भी गिन सकते, देखिए 1 2 3 4 ये हो गए 4 हमारे। अभी हम यहाँ से हमें 7 तक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 आ गए हमारे 7, यहाँ तक हमारे 7 आ गए, तो हहमें यहीं से वापस आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हुए बच्चों हमारे, 11 हुए। अभी यहाँ पे देखो, अभी हमें इसे मिला लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हुए, 10, यहाँ पे 10 हुए नहीं, हमने लाइन एक, जो लाइन हमने की है हमारी यहाँ पे एक लाइन उसके बीच में है, इसलिए हमने इसे गिना नहीं, तो इसलिए हमारे कितने हो गए, 11। फिर से गिन लेते हैं बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, कितने आए हमारे, दोनों को मिला के हमारे कितने आए, 11 आए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको 11 लिखने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। देखिए बच्चों, इस तरह से आपको जोड़ करने, आपको इस तरह से आते हो लाइन करके तो लाइन करके भी लिख सकते हो, उंगलियों पे आते हो तो आप उंगलियों से भी कर सकते हो। देखिए बच्चों, 7 और 5 इसका जोड़ करना है। अभी देखिए 7, तो यहाँ से हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7, फिर कितने हमारे, 5, 1 2 3 4 5 हो गए 5, तो कुल मिलाकर कितने होंगे, तो हमें गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हुए हमारे, 12, यानी कि दोनों का जोड़ किया उसमें कितने आए, 12, कितने आए बच्चों, 12। फिर है यहाँ पे 5 और 8, हमें दोनों का जोड़ करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ गए 8। तो चलिए फिर से इसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना आया आंसर हमारा, 13, 1 और 3 13। फिर है 2 3 और 2 3 और 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 कितना आया आंसर, 5। फिर है 4 प्लस 4 यानी कि जोड़, यानी कि हमें जोड़ करना है, इसे प्लस बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसे, प्लस। प्लस 4 और 4 कितने होते हैं, चलिए गिनिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हुआ, 8 हुआ। अब यह 2 और 5 इसका जोड़ करना है आपको, 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 आपको उंगलियों पर गिनना है बच्चों, 7 कितना है, 7। फिर है 6 प्लस 6 यानी 6 जोड़ 6। तो देखिए यहाँ पे
गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6, फिर बाद में 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितना हुआ आंसर हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि कितने आए यहाँ पे 1 और 2 12। तो देखो बच्चों इस तरह से आपको जोड़ करने हैं। फिर है यहाँ पे 13 और 7, अभी आपको कैसे गिनना है देखिए, उंगलियों पर आप गिन सकते हो तो गिनो, नहीं तो फिर से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लाइन भी करके आप गिन सकते हो। चलिए उंगली पर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हुए यहाँ पे 13, फिर कितना है 7, 1 2, फिर इस हाथ की उंगली लेनी है, 3 4 5 6 और 7 आ गया। अभी फिर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना हुआ 20, हमारा यहाँ पे जोड़ जो है कितना आया 20, इस तरह से आपको लिखना है। देखिए बच्चों यहाँ पे 18 और 4, फिर हमें 18 और 4 में जोड़ करना है। तो देखिए बच्चों 18 और 4 में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए 8 और 4 कितना होता है गिन लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 4 मिलाने हैं, 1 2 3 4, यानी कि कितना आया 12 आया, 2 यहाँ पे और हासिल दिया 1, हमने 2 यहाँ पे लिखा और हासिल दिया 1, तो 1 और 1 कितना हुआ 2, तो हमारा आंसर कितना आया 18 और 4 22, कितना आया 18 और 4 22, ऐसे आपको करना है। यहाँ पे भी हमने ऐसा, लेकिन आपको मैंने बताने के लिए बड़ी संख्या है आप ऐसा भी कर सकते हो, और अभी ये बड़ी संख्या आई है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो देखो बच्चों इस तरह से भी आप कर सकते हो, दोनों को मिला के उंगलियों पर गिन सकते हो, नहीं आपको आता तो फिर आपको ऐसा भी करना है, यानी कि यहाँ पे बड़ी संख्या है तो नीचे 4 है तो आपको 8 और 4 का जोड़ कर देना है, जो आए 12, तो हासिल ले दिया 1, फिर 1 और 1 2 हो गए, आया बच्चों आपको समझ में। चलिए आगे, अभी यहाँ पे 12 है और 5 है, तो देखिए हमें 2 और 5 का पहले कर लेना है जोड़। देखिए यहाँ पे कितने हैं 12 और 5, पहले गिन लेते हैं 1 और 2 हो गया, फिर 5 गिनते, 1 2 3 4 5, फिर 5 मिला लेते, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया 7 आया, और जो 1 है तो यहाँ पे 1 ऐसे उतार देंगे, आया बच्चों आपको, ऐसे भी हो सकता है। देखिए 3 जो जोड़ है उसमें अलग अलग आपको यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से आप कर सकते हो, यानी कि आप पूरी संख्या भी लेकर जोड़ कर सकते हो, या फिर पीछे की जो संख्या है उसके साथ भी जोड़ करके आप हासिल दे के फिर संख्या कर यहाँ पे उतार सकते हो। फिर आपको 12 और 5 में डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और ऐसे भी आपको करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो बच्चों आपको यही समझना है कि कोई भी संख्या आए तो आपको डरना नहीं है, आपको जोड़ करना है खाली, लेकिन कैसे आपको ध्यान रखते हुए जोड़ करना है। ओके चलिए अभी यहाँ पे आया है 21 और 2, देखिए 1 और 2 कितना हुआ 3, 2 को हम यहीं पे उतार देंगे, यानी कि हमारा जो आंसर है 23 है। फिर है यहाँ पे 25 और 5, 5 और 5 10, हासिल 1, 1 और 2 3, यहाँ पे 22 है 9, 2 और 9 11, 11 का 1, हासिल दिया 1, 3 कितना हुआ 3 और 1 31, यहाँ पे 26 है और प्लस 6 है, 6 और 6 यानी कि 6 और 6 12, 2 यहाँ पे रखेंगे, हासिल 1 दिया, 1 और 2 कितना हुआ बच्चों 3, यानी 3 और 2 32, इसका आंसर का क्या आया है 32 आया है। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे दिया है 32 और 4, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर बड़ी संख्या है तो कैसे जोड़ करना है, 2 और 4 कितना हुआ 6, 3 को नीचे उतार दिया कितना हुआ 3 और 6 36, 35 और 6 आए हैं, 5 और 6 कितना होता है बच्चों चलिए गिनिए, 5 और 6
कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। तो यहाँ पे एक रखेंगे, एक हासिल देंगे, एक और तीन कितना हुआ? 4। 41 कितना हुआ? देखो बच्चों, हमारा आंसर था 41। अभी आप यहाँ पे देखना है कितना है, 45 और 4। कितना है? 45 और 4। लेकिन हमें क्या करना है, 5 के साथ 4 का जोड़ करना है। 5 और 4 कितना होता है? 9। कितना होता है बच्चों? 9 होता है। फिर 4 यहाँ पे आपको उतार देने हैं, यानी कि कितना हुआ हमारा, कितना हुआ 49। कितना हुआ 49। फिर है 33 और 9। 3 और 9 कितना हुआ? चलिए गिनिए, आप उंगलियों पर गिनिए बच्चों। 3 और 9 कितना हुआ? ये 3 है, ये 3 है, कितने हुए? 6। और 3 ये है, कितने हुए? 9 है। 9 और 3 12। कितना हुआ? 12। 2 यहाँ पे रखेंगे, हासिल एक देंगे, कितना हुआ? 1 और 3 4। यानी कि हमारा आंसर है 42। कितना है? 42। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे है 44 और 6। 4 और 6 कितना होता है? 10। 10 का क्या रखेंगे यहाँ पे? हाँ, जो पीछे की संख्या होती है उसे ही रखना है हमें यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आप जीरो आए तो ऐसे गड़बड़ मत कर देना, आप घबरा मत जाना, क्योंकि यहाँ पे जो जीरो आया है तो उसे हमें यहाँ पे रखना है ना। तो यहाँ पे आखिरी वाली जो संख्या है वो यहाँ पे रख कर फिर बाद में हासिल हम यहाँ पे देंगे। फिर 1 और 4 कितना होता है? 5। कितना हुआ हमारा आंसर? 50। कितना हुआ? 50। आया समझ में बच्चों? फिर है 24 और 3। 4 और 3 कितना होता है? कितना होता है बच्चों? चलिए गुनी यहाँ पे उंगलियों पर गिनिए आप। 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना आया आंसर? 7। और 2 यहाँ पे उतार देंगे, यानी कितना हुआ? 27। कितना हुआ? 27। चलिए आगे, यहाँ पे आपको दिया है 48 और 7। चलिए 8 और 7 गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर 7 को गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पूरे मिलाकर कितने हैं? जो हमारे ये उंगलियों के जो निशान है यहाँ पे, जो बीच में आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे मिलाकर कितने होते हैं? 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते। तो आपको कभी भी ऐसा हो कि 7 और 8 आ जाए और पूरी की उंगली आपकी गिनी जाए, तो आपको समझ जाना है कि हमारा आंसर कितना है? 15 है। तो देखिए बच्चों, ये सारे आप गिन लेना, घर पे हो आप गिन सकते हो। आपको ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये लाइनिंग आपको गिननी है। तो ये कितनी हमारे उंगलियों में? 15 है। कितनी है? 15। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 5 लिखेंगे, 8 और 7 15, 15 के 5 हासिल 1, 1 और 4 कितने हुए? 5। यानी 55 क्या आया हमारा यहाँ पे आंसर आया है। तो देखो बच्चों, आज जो जोड़ हमने किए हैं वो आपको क्या करने हैं, आपके नोटबुक में फिर से आपको आंसर नहीं देखना है, खाली आपको क्या करना है, नोटबुक में पहले लिख लेने हैं जोड़, ये वाले सारे जोड़ लिख लेने हैं और आपकी उंगलियाँ गिनकर आपको जोड़ करने हैं। क्या करना है बच्चों? आपको उंगलियाँ गिनकर जोड़ करने हैं, आपकी नोटबुक चेक होगी बच्चों। तो ये आज का आपका होमवर्क है कि आपको सारे जोड़ आपके नोटबुक में और यहाँ पे स्वाध्याय पुस्तिका में भी करने हैं। जय गायत्री बच्चों।